टेक्सास का मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शॉर्ट टाइम में शेयर करना चाहता हूँ। टेक्सास में एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक लड़के ने गोल्ड से भरा एक बैग था, उसे रोड के ऊपर रखा और ब्रीफकेस को बंद कर दिया। 3 से 4 घंटे गुजर गए लेकिन उस ब्रीफकेस को किसी ने उठाया नहीं। 4 घंटे के बाद उसने अपना ब्रीफकेस ओपन किया और रोड के ऊपर रखा। जो पहला बंदा हुआ था उस देखा कि अंदर डायमंड वगैरह पड़े हैं, उठा के ले गया। वो जब उठा के ले गया भाग गया, तो वो जो सोशल एक्सपेरिमेंट बंदा कर रहा था उसने पुलिस से कंप्लेन की कि यार मेरा ये बैग सच चोरी हो गया। जज के सामने जब पेश हुए थे जज ने 1 साल की सजा उस चोर को दी और 5 साल की सजा उसने सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे को दी कि तुमने अपनी चीज़ को संभाल के क्यों रखा, इसको तुमने क्यों रोड पर रखा। तो अगर आप लोग अपने आप को संभाल के रखें, जब आप लोग अपने आप को दरिंदों के आगे फेंक देंगे तो ये फिर इस तरह की होंगे, इसी तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। आप उस लड़की के साथ 400 बंदे ने ज्यादती की है, किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, अखलाक किया, से गिरी हरकतें की हैं, तो जब एक लिमिट है, एक दारा इस्लाम ने जो एक सर्कल बना दिया, तो लड़कियों को उस सर्कल के अंदर रहना चाहिए। टिकटॉक बनाना गलत नहीं है, टिकटॉक बनाएं लेकिन कॉन्टेंट ऐसा बनाएं जिससे किसी की रहनुमाई हो। जब अपने जिस्म की नुमाइश आप टिकटॉक के ऊपर करेंगे तो फिर इस तरह के मामला पेश आ जाते हैं। आप लोग एक हीरा हो, एक फूल हो, आप लोगों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अगर आप लोग खुद अपने आप को मर्दों के आगे पेश कर देंगे तो फिर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। आप लोग फॉलो करें, हज़रत फातिमा को फॉलो करें। अगर आप उनका 20% भी फॉलो कर देंगी, 100% तो कोई कर नहीं सकता, अगर आप 20% भी फॉलो कर देंगी तो ये जो वाकयात हमारे सामने पेश आते हैं ये पेश नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।